के बाद स्वागत है बुलेटिन में। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान, कहा राहुल गांधी की यात्रा रोकने का किसी में दम नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार, कहा सरकार जो भी अच्छा कार्य करती है विपक्ष को होती है परेशानी। सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती, मुख्यमंत्री ने किया। 11,000 दीपकों से जगमग हुआ ज्वालामुखी मंदिर, मनाई गई दूसरी दिवाली। क्लस्टर स्तरीय वार्षिक पारितोषिक समारोह का आयोजन, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने की कार्यक्रम में शिरकत। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम में हुआ माहौल, विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आयोजित हुए कार्यक्रम, नाहन के हनुमान मंदिर में सांसद सुरेश कश्यप और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की शिरकत। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने की पीसी, कहा राहुल गांधी के साथ असम में हुआ दुर्व्यवहार। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हमीरपुर में बीजेपी आईटी और सोशल मीडिया सेल की बड़ी बैठक, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की शिरकत। हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने के लिए दवा विक्रेता भी आगे आए, लिफाफे और पैम्पलेट के जरिए फैला रहे हैं जागरूकता। 25 जनवरी को प्रदेश के युवाओं को पीएम मोदी करेंगे संबोधित, बीजेपी की संबोधन के लाइव प्रसारण की व्यवस्था। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर, स्कूलों और कार्यालयों में ध्वजारोहण और रंगारंग कार्यक्रमों का होगा आयोजन। पंजाब हरियाणा और हिमाचल में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। टैक्स यूनियन का सरकार के खिलाफ धरना, बढ़े हुए टैक्स को लेकर यूनियन ने किया प्रदर्शन। 25 जनवरी से प्रदेश में मौसम के करवट बदलने की संभावना, 28 जनवरी को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। सोलन में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, काले बिले लगाकर जता रहे हैं रोष। सांगला गांव में दो मंजिला मकान में लगी आग, आगजनी से लाखों का नुकसान। 26 जनवरी को संयुक्त किसान मंच एक बार फिर खोलेगा सरकार के खिलाफ मोर्चा, देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर कार्यक्रम, शिवाजी स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक क्लब ने किया कार्यक्रम का आयोजन। नाहन में NH7 पर टला बड़ा हादसा, सड़क पर पलटा डीजल से भरा ट्रक, मौके पर पहुंची पुलिस। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने की पीसी, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। पाठशाला के विद्यार्थियों ने लेक व्यू कैफे का किया शैक्षणिक भ्रमण, कैफे प्रभारी ने बच्चों को दी विभिन्न प्रकार की जानकारी। पाठशाला का वार्षिक समारोह आयोजित, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पूर्ण राज्यत्व दिवस की मेजबानी करेगा मंडी का धर्मपुर क्षेत्र, आयोजन को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह। प्रदेश में टैक्सी ऑपरेटरों पर सरकार ने बढ़ाया 8 गुना पैसेंजर टैक्स, टैक्सी ऑपरेटरों ने किया सरकार के फैसले का विरोध। LR कॉलेज में 20 लाख की लागत से बना जिम, फेमस रेसलर योगी द्विवेदी ने किया जिम का शुभारंभ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।